क्या आप भी बाहर के प्रोडक्ट्स यूज कर करके परेशान हो चुके हैं? आप भी चाहते हैं कि हमें कुछ होम रेमेडी मिले, कुछ अच्छी चीज़ मिले जिससे कि हम ग्लो करें, इंस्टेंट ग्लो हमारे अंदर आए, हमारी बॉडी भी अच्छे से क्लीन हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ कम से कम पैसों में और यहाँ तक कि घर की रेमेडी में। वेलकम टू द इट्स नेचुरल। मैं हूँ तुलिका, आपकी बेटी, आपकी सहेली, आपकी दोस्त, जो कि यहाँ पे आपको देती है ब्यूटी के टिप्स, कुछ मेकअप के टिप्स और स्पेशली टू गर्ल्स टॉक के बारे में, यानी कि गर्ल्स की जो भी प्रॉब्लम्स, वो भी चीज़ें होती हैं जो कि हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, उन सब के बारे में बात करती हूँ मैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्यूटी के बारे में कि आप अगर बाहर के प्रोडक्ट्स लगा लगा के परेशान हो चुके हो पूरी तरीके से, तो आपके लिए मैं लेके आई हूँ घर की ईजी, घर में रहने वाली रेमेडी से आप अपने पूरे शरीर को, अपनी पूरी बॉडी को कैसे क्लीन कर सकते हो और अपने फेस को भी फेस वॉश से अपने, यानी घर। तो हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसका बगल वाला बेल आइकन को टन से दबा दो जिससे कि मेरी फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको आ सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रेमेडी को बनाना और इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, ए टू जेड पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ मैं। हाफ स्पून में ले रही हूँ यहाँ पर बेसन, जो कि किचन में हमारे अवेलेबल होता है, और एक स्पून में ले रही हूँ यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी, जो कि हमें ईज़िली मार्केट में मिल जाएगा, और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ हल्दी, दो पिंच हल्दी ले रही हूँ मैं। और अब हमने यहाँ पर लेना है ऑयल, मैं यहाँ कोकोनट का ऑयल ले रही हूँ, आप चाहो तो आलमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर दो स्पून ले रही हूँ ऑयल, दो स्पून, दूसरा स्पून, ये दो स्पून ऑयल लेने के बाद इसको मैं इसी स्पून से मिक्स कर ले रही हूँ। इसको मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मल वाटर लेना है, यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल वाटर लेके इसको मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना है हमने, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अपने चम्मच से ऐसे ही मिलाते जाएंगे। ये देखिए, और मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आपको क्रीमी टेक्सचर का बनाना है, थोड़ा सा थिक और क्रीमी होना चाहिए। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिला के आपको मैं दिखा दे रही हूँ कि मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप अपने इस उपकरण को, इस पेस्ट को आप जितना फेंटोगे उतना ही बढ़िया ये हमारे फेस पर असर देगा। तो ये देखिए, मैं इसको आराम से तेज़ी तेज़ी से फेंट रही हूँ, मतलब जितना आप तेज़ी से फेंटोगे बढ़िया टेक्सचर तैयार होगा। ये देखिए, क्रीमी टेक्सचर एकदम हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे अपने हाथों से लगाएंगे, ऑफकोर्स ब्रश का तो कोई सवाल ही नहीं होता कि हम ब्रश से लगाएं, क्योंकि मोटा पेस्ट है, और इसको अपने हाथ से ही हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि फेस पर हमें मोटी लेयर लगानी है, पतली लेयर नहीं लगानी, एक मोटी लेयर, थिक लेयर लगानी है पूरे फेस पर, पूरे फेस पर अच्छे से फैला फैला के अपने हाथों से आपको लगाते जाना है। इसीलिए मैं आपको पूरी डिटेलिंग वीडियो में दे रही हूँ कि आप भी ध्यान से देखो कि आपको अपने फेस पर कैसे अप्लाई करना है। और वैसे गले पे मैं आपको बता दूँ, गले पे, हाथ पे, पैर पे, आप चाहो पूरी बॉडी पे, नहाने से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मैं नहाने से पहले ही इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, तो आज भी मैं नहाने से पहले ही अपने इस उपकरण को अपने फेस पे लगा रही हूँ। और मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि आप अगर उपकरण के रूप में ले रहे हो तो आप 10 दिन में एक बार इसको आप लगा सकते हो, और अगर आप फेस वॉश के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा आपको लेके बस 5 मिनट अपने फेस पर मसाज देना है और उसको वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से। मैं लगा ली हूँ, इसको सूखने देंगे, सूखने दिया है मैंने इसको, थोड़ा सा मोटा है, कहीं सूखा है, कहीं गीला है, तो हाथ वालों तो एकदम ड्राई हो गया है यार ये, तो मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मैं कहती हूँ क्या कि मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और अपने हाथ में लेके ना इसको अपने पूरे हाथ पे मसाज दे देती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से इसको मसाज देंगे और अपने उपकरण को इसी तरह से छुड़ा लेंगे पूरा, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया क्योंकि मैंने हाथ पर ना पतली लेयर लगाई थी। आपको ध्यान रखना है कि हाथ पर पतली लेयर ही लगानी है और फेस पर मोटी लेयर लगानी है। तो इसको मैं इस तरह से लगा लगा के तेल को, ऑयल को अपने हाथ में लगाऊँगी और उपकरण को छुड़ा दूँगी। तो आप देख सकते हो कि ये अच्छे से छूट रहा है,
इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग आता है, बहुत ही ज़्यादा मेरे को सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा था। अब मैं फेस का हटा रही हूँ अपनन, इसी तरह आपको हटाना है, रैप करना है। और दूसरी चीज़ आपको ये बताती हूँ, जिनके फेशियल हेयर हो रहे होंगे, फेशियल हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको आप क्या करना है कि जिसकी मैंने हल्का सा गीला गीला सा रखा है, बट आपको गीला नहीं रखना, एकदम से ड्राई करना है। अब आप उसके लिए आपको चाहे 1 घंटे भी सुखाने पड़े तब सुखा लो, क्योंकि आपको अपने फेशियल हेयर रिमूव करना है। मेरे फेशियल पर हेयर नहीं है। ये देखिए आपको रिज़ल्ट कितना अच्छा मिल रहा होगा, मुझे खुद इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो लग रही है, ग्लास स्किन जिसको बोलते हैं ना, वो लग रहा है। और मेरे को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज मेरा फेस लग रहा है और मेरे को शाइन शाइन भी लग रहा है। तो मैं इसको छुड़ा के नहा लूँगी। तो मैं इसको छुड़ा लिया है मैंने अच्छे से, अब मैं नहा के आती हूँ। ये देखिए मैं अब नहा के आती हूँ फटाक से। नहाने के बाद आप देख सकते हैं फाइनल रिज़ल्ट, और आप मेरे को बताओ कि आप ने इसको यूज़ किया है या नहीं। और आप इसको ऑफकोर्स यूज़ करो, देख रहे हो कितना ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लो आ रहा है मेरे फेस पर। सो आई होप आपको मेरी ये होम रेमेडी पसंद आई होगी, जिसमें कि आपको मैं ब्यूटी के बारे में बता रही हूँ। इसको आप एक उपटन के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कि हफ्ते में आप 1 बार या 2 बार आप इसको यूज़ करते हो। अगर आप रेगुलरली करते हो तो आप इसको थोड़ा थोड़ा लेके फेस पर थोड़ा सा मसाज देते हो, आप इसको फेस वॉश के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हुई ना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम अपने घर के ही चीज़ों से हम अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, कोई बाहर का केमिकल जैसा कोई भी हमें यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मुझे फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को टन से दबा दो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वेट करना, और स्पेशली मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहनों जो टीनेज एज में चल रही है, स्पेशली आपके लिए ये वीडियोस मैं बनाती हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यारा प्यारा थम्स अप मेरे को देना और फटाफट से मेरे को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।